नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित का एक छोटा सा प्रश्न देखेंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं और मजेदार भी होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है हमेशा काम भी आने वाले होते हैं आपके भविष्य में आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, तीन व्यक्ति हैं और तीन व्यक्तियों को पैसे का बंटवारा किया गया है, लेकिन कुल कितने पैसे हैं ये नहीं पता। तो कितने पैसे का बंटवारा किया गया ये आपको बताना है, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि तीनों व्यक्ति को, जैसे मैंने यहां पर ए बी और सी बोल रखा है, ए को 11, बी को 13 और सी को 17, मतलब 11, 13 और 17 के अनुपात में उनको पैसे बांटे गए हैं, लेकिन कुल कितने पैसे हैं ये पता नहीं है। लेकिन उनमें से किसी एक का, मतलब ए का, उनको कितने पैसे मिले हैं वो दिया गया है, लेकिन आपको बी और सी को कितने रुपए मिले ये भी बताना है और कुल कितने रुपए हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे चैनल में आप लोग जरूर इस प्रकार के कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आपको टच कर दीजिएगा। आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार के जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि माना कि, है ना, तीनों को कितना पैसा मिला ऐसा मानते हैं। तो माना कि तीनों को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 11 के, फिर 13 के और 17, यहां पर अनुपात लिखेंगे 17 के, और ये रुपए मिले, ऐसा हम बनाते हैं इस प्रकार के गणित को। तो कुल कितने रुपए मिला अब ये भी मान लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं माना कि कुल 100 रुपए है, मतलब इस 100 रुपए का ही बंटवारा इन तीनों में क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। तो इन तीनों को यदि हम योग कर दें, यहां पर देखिए हमने लिखा माना कि तीनों को इतने इतने रुपए मिल रहे हैं, तो देखिए यहां पर देखिए 11 के हैं, तो 11 के को प्लस 13 के को और प्लस 17 के को यदि हम जोड़ दें तो इसका जो मान है वो x के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इतना रुपए है और इन्हीं इतने रुपए को ही इन तीनों में बंटवारा किया गया है। लेकिन इस शर्त पर आपको देखिएगा, यहां से आपको किसी प्रकार के कहीं पर भी आपको राशि दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इस राशि का मान कैसे निकालेंगे। लेकिन देखिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, जैसे ए बी सी को इतने अनुपात में पैसा बांटा गया है तो उसमें एक शर्त जरूर दिया गया है। कौन सा शर्त दिया गया है, यदि ए को 491 रुपए मिले, मतलब ए को जितना रुपए मिल रहा है वो दिया हुआ है, मतलब इसी समीकरण में ए का कौन सा भाग है, देखिए ये ए का पहला वाला भाग ए का है, मतलब ये वाला ए का है, इसका मतलब ये है ए को मिला राशि, मतलब रुपए, है ना। तो ए को मिला रुपए कितना है, यहां पर देखिए 11 के बराबर हम ये मान सकते हैं, 11 के बराबर राशि तो दिया गया है, कितना 451 रुपए दिया हुआ है। तो 451 रुपए को हम k का वैल्यू अगर हम निकाल दें, यहां से k का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो k का मान कितना आ जाएगा, 451 बटे कितना करेंगे 11 करेंगे, इसको हम बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। देखिए 11 एक कम 11, 11 चौक 44 हो जाएगा, यहां पर कितना बचा, एक बचा 11 एक कम 11, मतलब हमें यह तो समझ आ गया कि यहां पर देखिए जो k का वैल्यू है वो कितना आ गया है, 41 आ गया है। अब इसी 41 के माध्यम से हम b और c को कितने रुपए मिले हैं उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इनका हमें योग भी तो निकालना है और वो सही भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए मैं हल करके बता देता हूं, b को कितना, a को तो हमें पता चल गया कि a को कितना मिला था, 451 रुपए पहले से दिया था, तो उसी के माध्यम से हमने k का वैल्यू यहां निकाला है। अब देखिए b को कितना भाग मिला होगा, फिर b का मान यहां पर दिया हुआ है 13 के, यहां पर मैं लिख देता हूं 13 के, और k का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो यहां पर देखिए 13 लिखेंगे और गुणित कितना निकालेंगे 41, यहां पर हमने लिखा है 41। तो सिंपल सी भाई, किसी भी संख्या को हम गुना करते हैं तो गुना करने का भाई बड़ा सिंपल सा मेथड होता है, जैसे 3 को इनसे गुना कर दीजिएगा, 3 एक कम 3, फिर इनको 3 गुना करके जोड़ दीजिएगा, तो यहां पर देखिए 4 3 12, है ना, और 1 एक कम 1, 4 के 12 और 1 हासिल करके 13, 3 हो गया हासिल, 1 चल गया, फिर इनको गुना कर देंगे, 4 एक कम 4 और हासिल करके 5, मतलब ये 533 रुपए किसका भाग हो गया, यहां पर आप लिख देता हूं, ये जो 533 रुपए है वो किसका, बी का भाग है। अब उसी प्रकार आपको सी का भाग भी निकालना है, तो सी का भाग कितना है, 17 के है, तो यहां पर लिख देंगे 17 गुणित के मतलब कितना 41, तो इसको भी हम गुना करेंगे, तो इसी प्रकार इसको हम गुना कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो यहां पर भी करेंगे 7 एक कम 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर इन दोनों को गुना करके हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो 7 चौक 28 और 1 कम 1 मतलब कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 का 9, हासिल कितना आ गया 2 आएगा, लेकिन 4 कम 4 और 5 6 मतलब 697 रुपए, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं
यहाँ पर लिख देते हैं ऐसा, हो जाएगा 17 के, और इसको जब हल करें तो कितना आ गया 697 रुपए। तो ये तो ए को कितना मिला, सॉरी बी को कितना मिला 533 रुपए, सी को कितना मिला 697 रुपए, और ए को कितना मिला है तो शुरू में दिया गया था 457 रुपए। तो तीनों को यदि हम क्या करते हैं जोड़ दें, इसी में मिटा देते हैं, यहां पर यदि हम जोड़ दें ए वाले भाग को, तो ए को कितना मिला था 11 के मिला था, इसका मान तो हमें पहले से दिया गया था इतना रुपए। इन तीनों को यदि हम जोड़े तो देखिए यहाँ पर देखिए 7, 3, 10 और 10 और 11 का एक हासिल एक चला गया, तो देखिए एक इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 का हासिल एक चला जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, 6, 6, 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। मतलब निश्चित रूप से आपने देखा कि यहाँ पर आंसर कितना हो रहा है 1681 रुपए। ये कुल था, हमने पूछा था कि कुल कितने रुपए है, मतलब 1681 रुपए को तीनों लोगों में बांटा गया था, तो बी को इतना मिला था, सी को इतना मिला था और ए को इतना मिला था, शुरू में बताया गया था कितने रुपए प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है, निश्चित रूप से आपको ये गणित बहुत आसानी से समझ आया होगा। और हाँ, ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में लोगों दिखाई दे रहे, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।